नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभाय सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवते नमो नमः तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहृदावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतं स्वरूपं जं प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृतं द्वैपायन गृहकातर आयुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो स्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी गौर भक्त कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला ब्रह्मिष्णु विष्णुपाद अष्टोदर सदा श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला ब्रह्मिष्णु विष्णुपाद अष्टोदर सतस्त्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज एवं श्रील भक्ति वेदांत सरस्वामी महाराज अन्य अन्य वैष्णव वैष्णवी माता पिताए भाई बहन सभी को भी यथाजुद्ध प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। गत गल्ले हम लोग श्रवण कर रहे थे कृष्णा कैसे मथुरा में कंस के कारागार में प्रभु आविर्भाव हुए। क्या हुए? आविर्भाव हुए, जन्म नहीं हुए। कृष्ण मथुरा में जन्म नहीं हुए। कृष्ण कहाँ जन्म हुए? कहते कृष्ण गोकुल में जन्म लेते। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन अजो अभिसन्न अभयात्मा भूताना भी ईश्वर अभिसन्न प्रकृति समधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया। कहते हे अर्जुन मेरा जन्म नहीं है, मैं अजन्मा, लेकिन मैं अजन्मा होते हुए भी जन्म लेता हूँ। इसलिए कृष्ण कहते हे अर्जुन जन्म कर्म चमे दिव्य, मेरा जो जन्म और जो कर्म है वो अपराशत अलौकिक और दिव्य है। अगर ये चीज को सही सही कोई जान लेना शरीर छोड़ने का बाद फिर ये संसार में दो बार जन्म नहीं लेता है। इसलिए भगवान अजन्मा है, लेकिन अजन्मा होते हुए भी फिर कृष्ण क्यों जन्म लेते हैं? इसलिए हमारे टीकाकारों ने इसकी विषय में बड़ी बड़ी रहस्य की बात बताई। आज मैं भी कुछ कारण बताऊंगा, मैं 10 कारण बताऊंगा। कितना कारण बताऊंगा? और मैं कल आपसे सबसे सुनूंगा कृष्ण अजन्मा होते हुए भी जन्म उन्होंने क्यों लिया। ठीक है, अच्छे तरह से मन लगा कर सुनो। मैं कल जरूर पूछूंगा, ऐसे नहीं रोज बोलता हूं मैं पूछता नहीं, लेकिन कल मैं जरूर पूछूंगा। ठीक है, इसलिए आंख खोल करके मछली जैसे सुनो, आंख खोल कर दो, कोई आंख नहीं बंद करना है। क्या है ना, अभी दोपहर का प्रसाद पाक रहे आए हैं ना, इसलिए बढ़िया नींद सोने का समय है। अर्घ सोने का समय में अभी कथा हो रही है, इसलिए यहाँ पर आकर सबके सब आग बंद होने लग जाती है। एकदम अच्छे तरह से बैठो। इसलिए कहते कृष्ण अजन्मा होते हुए भी उन्होंने क्यों जन्म ग्रहण किया, आप बता सकते हो? प्रभु से कुछ कुछ याद है कुछ कारण? अरे ये 10 कारण, आप बस 5-6 कारण बता सकते हो? आता है कृष्ण जन्म नहीं होते, अजन्मा होते हुए भी कृष्ण क्यों जन्म ग्रहण करते, कुछ याद है? अभी आप कोई कागज पेन लेकर बैठते हैं प्रभु, सब माला लेकर बैठ जाते हैं, हम बताएं
कितना कारण होता नहीं एक कारण तो बता सकते एक कारण नहीं दस कारण होता दस कारण भी बता हाँ अभी सुन लो फिर कल बता अच्छा तो याद करो बच्चा याद करना ठीक है तुम्हें याद है कुछ दस कारण अगर माँ तो माँ लिख बैठ कॉपी कॉपी और पेन लो दी कितना होगा एक अच्छा तो सुन लो जैसे कल जैसे बोलनी नहीं चाहिए हरे कृष्णा देखो पहला कारण है कहते श्री कहते उनकी जन्म लेने का कुछ साधारण कारण है और कुछ विशेष कारण है भले कुछ साधारण कारण क्या है भले जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत अद्भुतानम धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम् कहते हे अर्जुन जब जब इस जगत में अधर्म बढ़ने लग जाए स्त्री गो ब्राह्मण पृथ्वी संतों के ऊपर में अत्याचार होने लगता है मैं तब तक जन्म ग्रहण करते हुए दुष्टों को विनाश करता हूँ और मेरे भक्तों को मैं रक्षा करता हूँ हर जगत में जुगा धर्म को मैं पालन करता हूँ ये एक कारण है बोले दूसरा कारण है बोले अनुग्रहाय भक्ताना करमी विविध क्रिया कहते मैं अपना भक्तों को ऊपर में अनुग्रह मतलब कृपा करना चाहता जैसे कृष्ण कल जन्म हुए तभी तो हम लोग ने धूमधाम से नंद के आनंद भयो जय कन्हैया तभी तो हम लोग ने जन्म उत्सव मनाए अगर भगवान जन्म नहीं होते फिर क्या हम भगवान की जन्म उत्सव मनाते आज हम लोग भगवान की बड़ी मीठी मीठी कथा सुनेंगे अगर प्रभु जन्म नहीं लेते फिर कथा क्या हम सुनते फिर घर में बैठ करके अपना बहू बेटियों की नाती पोती की बात हम करते इसलिए ये दूसरा कारण है भगवान मधुर मधुर लीला करके अपना भक्तों का मन को अपना तरफ में भगवान आकर्षण करके अपना हमारी बद्ध जो मन है उसको अपना लीला रस में डुबो देना चाहते हैं इसलिए भगवान जगत में जन्म हो गया कितना कारण हो गया दो तीन कारण बताए जब देवकी वसुदेव की पास में कारागार में प्रभु प्रकट हुए भगवान ने कहा देवकी वसुदेव तुम दोनों पूर्व जन्म में कृष्ण और सुतवा थे तुम दोनों राजा रानी लेकिन राजभोग नहीं किए कठोर तपस्या की बोले क्या खा करके बोले पेड़ से जो पत्ता गिर जाते थे उसको खा खा करके 10,000 साल तपस्या की मैंने कहा भैया बताओ क्या चाहिए इतने कठोर तपस्या क्यों की बोले प्रभु आप जैसे हमें एक बेटा चाहिए भगवान ने कहा देखो मेरे जैसे तो कोई होते नहीं इसलिए जिनको वेदों में बताए असमर्थ तत्व असमर्थ मतलब जिनसे बड़े की बात छोड़ दो जिनकी बराबर भी जगत में कोई नहीं इसलिए ना सम ना ऊर्ध्व भगवान ने कहा मेरे जैसे तो कोई होता ही नहीं ठीक है मैं ही तुम्हारा बेटा बन करके आ जाऊंगा कितना गाना हो गया अब लोग कोई गिन नहीं रहे तीन हो गया चौथा गाना बताए द्रोण और धरा ये दोनों भी ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की जब ब्रह्मा जी बोले बताओ क्या चाहिए बोले हे प्रभु जैसे स्वाभाविक रूप में एक माँ के पेट से एक बच्चा जन्म लेता है और बच्चे को गोद में लाड़ लड़ाता है दूध पिलाती है अंगुल पकड़ करके ठुमुक ठुमुक करके चलाना सिखाती है थप थप लगा कर उसका नींद सुलाती है, है? और मचलता है कभी कभी बच्चा कभी मैया डांट दपटती है शासन करती है इसलिए आप मेरे स्वाभाविक रूप में मेरा बेटे बन करके आओ और आपको मैं लालन पालन करना चाहता हूँ ब्रह्मा जी ने तथास्तु बोल दिया इसलिए कृष्ण मथुरा में प्रकट तो हुए मथुरा में लेकिन कृष्ण जन्म कहाँ पर होते हैं भगवान गोकुल में जन्म हुए इसलिए बोले नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की कितना कारण हो गया चौथा कारण हो गया बोले पंचवा कारण बताए बोले जिस समय राम लक्ष्मण सीता दंडकारण्य में पहुंचे बड़े बड़े ऋषि लोग गोपाल मंत्र में तपस्या उपासना कर रहे थे भगवान कृष्ण को
लेकिन उनकी मंत्र में सिद्धि नहीं हो पा रही थी। मंत्र तो जप कर रहे थे लेकिन करना चाहिए ऐसे ही कर रहे थे, इसमें कोई इंटरेस्ट मतलब कोई उसमें लगन नहीं था, करनी चाहिए चलो धीरे धीरे। लेकिन जब वहां पर भगवान राम पहुंचे ना, लेकिन राम और श्याम एक ही है, अभी उन्होंने राम को देख करके उनको श्याम को याद है और राम को उन्होंने अपना पति रूप में प्रार्थना की। भगवान ने कहा देखो ये रामावतार में एक सीता के सिवाय मैं और किसको ग्रहण नहीं कर सकता, तुम सबके सब द्वापर युग में गोपी बन करके आओ और तुम्हारी सारी इच्छाओं को मैं पूरी करूंगा। इसलिए वही ऋषि मुनियों ने जो मुनिचरी ऋषि है वो सब के सब गोपी रूप में आए, अभी कृष्ण को तो शादी करना पड़ेगा, इसलिए भगवान को जगत में आना पड़ा। कितना कर हो गया? 5। 6 कारण बताए। जिस समय भगवान राम लक्ष्मण सीता गंगकारण्य में पहुंचे वहां पर सुपर्ण का रावण का बहन अभी प्रभु राम रूप देख करके इतनी बहादुरी बन गई, इतनी सुंदरी बन गई, बन करके बोले प्रभु मैं जैसे सुंदर है ना ठाकुर जी तुम्हें भी इतना सुंदर बनाए, हमारा जोड़ी बड़ा प्यारी है, मेरे से शादी कर लो। भगवान ने कहा देखो ऑलरेडी मेरी पत्नी सीता है, बोले इसकी हड्डी में क्या रखा हुआ है, हाँ ये नर है इसकी हड्डी में क्या रखा हुआ है, हैं? इसलिए मेरे से शादी करो। बोले मैं शादी नहीं कर सकता। इतने में लक्ष्मण गया हुआ था जंगल से लकड़ी लेने के लिए, जब सूखी लकड़ी लेने के लिए आया बोले ये कौन है, बोले ये मेरे छोटे भैया है, बोले ये भी तो कम देखने में सुंदर नहीं, ये तो भी बड़े सुलीले हैं, बोले इससे मैं शादी कर सकता हूँ कर सकती हूँ, बोले तेरे जैसे मनमानी को कौन रोक सकता है, एक बार पूछ करके तुम देख ही लो। जो उनको पूछने के लिए गई ना बोले देखो मैंने देखा तुम बड़ी भाई से कुछ प्रार्थना कर रही थी, बोले वो मेरे प्रेम को नहीं समझा, इसकी बात छोड़ तू मेरे से शादी कर लो। बोले ये बताओ तू रानी बनना चाहती हो ना दासी, बोले रानी, बोले मैं तो प्रभु का दास हूँ, मेरे से शादी करोगे ना सेवा करते करते थक जाओगे, कहा रानी बनने की तू स्वप्न देख रही हो, जाओ प्रभु राम से प्रार्थना करो। फिर राम ने स्वीकार नहीं की, सुपर्ण का को क्रोध आ गया, बोले तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, रावण का मैं बहन हूँ, ये सीता जितने गड़बड़ी का कारण है इसको ही मैं खा जाती हूँ, जो उसने भयंकर रूप धारण करते हुए उसको खाने के लिए गई। इतने में प्रभु राम लक्ष्मण को इशारा किया, लक्ष्मण उसको नाक काट दिया, उसके नाक काट दिए, वही फिर कृष्णा अवतार में क्या करके जाती है, अरे पुतना तो नहीं, क्या बन करके आती है, कहते फिर वही फिर एक कुबजा बन करके आती है। इसलिए भगवान कृष्ण ने उसकी इच्छा को फिर ठाकुर जी पूरी करते हैं। कहते ये कितना कारण हो गया? 6 कारण हो गया। सप्तम कारण बताए, आप लोग रामायण सुने होंगे, एक धोबी नहीं वो गई थी पीहर, पीहर से आते समय अपना ससुर घर में एक नदी उसको पार करना पड़ता था, लेकिन हो गया था शाम, रिमझिम बारिश हो रही थी, केवट ने कहा देखो शाम हो गया अकेले में तेरे को उतार नहीं सकता हूँ, आकाश से तेरे बारिश हो रही है, उसको मजबूरी से एक रात केवट घर में बिताना पड़ा। जब दूसरे दिन आई पति ने पूछा पिछली रात तुमने कहाँ बिताए, बोले ऐसे ऐसे हो गया, बोले मैं राम नहीं हूँ, कहा रावण सीता को उठा करके ले गया और एक साल तक लंका में रखा और सीता आया तो राम ने क्या किया उनको बराबर आसन, उसको बराबर आसन में बैठा दिया, मैं राम नहीं हूँ, जहाँ तुमने रात बिताई वहीं पर तू रात जीवन बिता है। लेकिन केवट को पता ही नहीं था, क्या पता ही नहीं था, रावण ने असली सीता को लिया है, वो तो नकली सीता थी, प्रभु को तो रावण को मारना था, इसलिए उन्होंने अग्नि को पास में सीता को ने आश्रय दे दिया था, अग्नि में वो आश्रय ले ली थी, वो नकली सीता थी, लेकिन केवट को तो ये बात पता थी नहीं। इतने में भगवान राम ने फिर चिरकाल के लिए उन्होंने सीता को उन्हें परित्याग किया है, उन्होंने श्री वाल्मीकि का आश्रम पर भेज दिया, जब भेज दिया हर साल भगवान राम
एक अश्वमेध यज्ञ करते थे। वशिष्ठ जी ने कहा देख राम, जब तक पत्नी नहीं हो ना कोई भी सत्कर्म तुम कर नहीं सकता, इसलिए एक काम करो और एक शादी कर लो, क्योंकि तेरे जो पिता है ना वो भी तीन तीन शादी किया है, तो और एक कर ले उसमें क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन भगवान राम कौन है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा पुरुषोत्तम रूप में शिक्षा देते है, बोले नहीं मैं एक सीता सिवाय और किसी को मैं ग्रहण नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को पता सीता पवित्र है, अगर मैं शादी करूंगा ना है सीता के प्रति मेरी अन्याय होगी। और दुनिया के लिए भी शिक्षा देते हैं, ऐसे नहीं एक शादी कर फिर और उसको कोई प्रेम कर रहे हैं, नहीं, भगवान राम ने ये चीज को मना किया है। जिसको साथ में शादी करते हो उसको साथ में धर्म पूर्वक अपना जीवन में बितानी चाहिए। इसके भले और कोई उपाय है, भले एक उपाय है, जो क्षत्रिय है वो सोने की सीता बना करके अपना बाप पास में रख करके वो अपना शुभ काम तो कर सकते हो, ये तो कर सकता हूँ। उनने हर साल एक एक सोने की सीता बनाया करते थे। वशिष्ठ जी उनके अंदर में प्राण संचार कर देते थे, सीता फिर सीता बन जाती थी, नई सीता बन जाती थी। इन्होंने 11,000 साल तक उन्होंने यज्ञ किया हर साल की। जब बलि महाराज के दरबार में प्रभु आए, उनकी एक बेटी रत्नवाला थी, माताओं की नेचर है किसी छोटे सुंदर बालक को देख लेना उनके मन में इच्छा करती है, इसको हम गोद में लेकर प्यार करें, इसको मैं लाल लड़ा, उनकी स्वाभाविक नेचर माताओं की। और भगवान तो ठाकुर जी बामन बन करके आए, अब इनको बेटी ने सोचा अगर ये मेरे बेटा बन करके आता है ना, दिन भर इसको मैं गोद में लेकर के प्यार करूं, इसको मैं लाल लड़ाती। ठाकुर जी बोले कोई बात नहीं, मैं बेटा बन करके आ जाऊंगा। लेकिन जब उनने दो पग में सब कुछ ले लिए, तीसरी पग लेने के लिए कोई स्थान नहीं, उनको नाक फांस बंधन में बांध दी। अभी रत्नवाला सोच रही है, बोले बाबा ये तो दुष्ट है, मेरे पिताजी का सबके सब छीन लिया और मेरे पिताजी को बांध भी दिया, बोले अगर तू मेरे बेटे बन कर क्या होगे ना, तेरे को मैं दूध क्या पिलाऊंगी, तेरे को मैं बीस पिलाऊंगी, क्या पिलाऊंगी, जहर पिलाऊंगी, तेरे को कौन बन कर गई, हाँ क्या बन कर गई, हाँ पुतना बन करके मेरे आई। अरे ठाकुर जी उसकी इच्छा पूरी की, कितना करना हो गया, अभी 10 नहीं हुआ है, मैं तो सोचा 10 हो गया, अब सही से गिन रहे हो, ठीक है, कितना करना हो गया, 8 हुए, ठीक है, अभी ढूंढता हूँ क्या है। बोले जिस समय राम और लक्ष्मण जनकपुरी में गए, उन्होंने विश्वामित्र जी को बोले गुरु जी आदेश दे दो थोड़ी सी ये जनकपुरी दर्शन करके आए। बोले दर्शन करना नहीं, सबको दर्शन दे, सबको दर्शन दे करके आओ। राम लक्ष्मण जब जनकपुरी में प्रवेश किया, मानो एक साथ में चंद्र और सूरज प्रकट हो गए, एक श्याम रंग के एक गौर रंग के, एक पीतांबर और एक नीलांबर पहने हुए, जिस गली में जाए ना जो देखे वो हल्ला मचा दे, क्या सुंदर तो बालक आए। बोले श्री राम लक्ष्मण की, तुम लोग भी जयकार नहीं दे रहे हो, सो रहे हो ना क्या, जोर से बोलो, बोले श्री राम लक्ष्मण की। देखो अभी दोपहर का समय ना, सबके सब आलसता आ रही, इसलिए मैं जोर से जयकार दे रहा हूँ, सबके सब आग खोल दो, कोई आग नहीं बंद करना, आग बंद कर कथा नहीं सुनते हैं, आग खोल करके, आग खोल करके कथा सुननी चाहिए, सब आग खोल कर बैठो एकदम चंगा होकर बैठो। हरे कृष्णा। अभी जितने सबके सब कुंवारिया थी जनकपुरी में, कोई झरकों से कोई छत के ऊपर से सब झांक झांक कर देख रही थी, लेकिन जो झरकों से देख रही थी वो तो ठाकुर का दर्शन हो रहा था, लेकिन जो छत के ऊपर से देख रही थी ना वो दर्शन नहीं हो पा रहा था। क्यों? भगवान राम का एक स्वभाव था, वो कभी भी सर उठा करके नहीं देखते थे, कभी भी हर समय अपना सर को प्रभु नीचा करके चलते थे। अभी छत के ऊपर में जो किशोरिया खड़ी हुई थी, लेकिन उनका तो दर्शन नहीं हो पा रहा था, वो क्या कर रही थी, मतलब खास रही थी, सोच रहे थे खासे तो हो सकता है प्रभु थोड़ा सर ऊंचा करेंगे, लेकिन वो तो सर ऊंचा करने वाले नहीं। इतने में
पीछे पीछे लक्ष्मण चलते थे। बोले लक्ष्मण कौन है? बोले गुरु है। बोले गुरु का क्या काम है? बोले ये जीवात्मा को परमात्मा से मिलाना, ये गुरु का काम है। इतने में लक्ष्मण जी प्रार्थना किए, बोले ठाकुर जी देखो आपका भक्त लोग छत को पर खड़े, आपको दर्शन करना चाहते, एक बार उनको दर्शन दो। भगवान राम बोले लक्ष्मण ये जनकपुरी ये मायापुरी, खबरदार इधर उधर देखना नहीं, एकदम सर को है सर को नीचा करके, सर को नीचा करते हुए चलो, इधर उधर देखना नहीं। लेकिन अभी तो सखियां खास रही थी, लक्ष्मण बारंबार प्रार्थना की ठाकुर जी एक बार दर्शन दे दो, देखो भक्त लोग तरस रहे हैं। अभी गुरु जी अगर प्रार्थना करे ना, देखो नियम है, हम सदगुरु चरण क्यों ग्रहण करते हैं, फिर हम डायरेक्ट प्रभु की भक्ति क्यों नहीं करते हैं? कहते जो हमारी जो प्रार्थना है ना ठाकुर जी नहीं सुनते हैं, ठाकुर जी हमारी प्रार्थना नहीं सुनते हैं। अगर हमारी हो करके कोई सदगुरु ठाकुर जी से प्रार्थना करते, ठाकुर जी ये जीव को कृपा करो, अरे ठाकुर जी को हैं अपना भक्तों का बात सुनना पड़ता है, इसलिए दर्शन नहीं दे रहे थे। लेकिन जब लक्ष्मण बारंबार बोले प्रभु दर्शन दो, अभी गुरु जी का आदेश तो पालन करना ही पड़ेगा। इतने में भगवान राम ऊपर थोड़ा झांक करके देखे, जो सर उठा करके देखे प्रभु का रूप देखते ही जितने सब किशोरिया ना सबने सब बेहस हो गए, इतने सुंदर प्रभु थे। जब उनको होश आया सबके सब राम को पीछे पड़ेंगे, बोले प्रभु हमसे ब्याह कर, हमसे शादी कर लो। भगवान राम बोले लक्ष्मण तेरे को पहले से ही मना कर रहा था, तू सुनी नहीं ना, सबसे शादी कर तू ले, तो सबसे शादी कर ले हैं। भगवान राम ने कहा देखो मैं ये रामावतार में सीता के सिवाय किसको ग्रहण नहीं कर सकता, तुम सब के सब तुम वृंदावन में गोपी बन करके आओ, तभी मैं तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरी करूंगा। वही जो जनकपुरी के सब के सब सीता जी की सहेलियां थी ना कुंवारिया, ये सब के सब द्वापर युग में गोपी बन करके आए। कितना कहना हो गया? नौ हो गया। और दसवां कारण क्या है? बोले दसवां कारण बताए हैं। देखो ये अब लोग एक समय भागवत में कथा आती है, एक समय ये ब्रह्म लोग से हैं, कहते एक समय बैकुंठ से ठाकुर जी की चरण तुलसी और चंदन की खुशबू ये बैकुंठ से बहते 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 ब्रह्म लोग में आए। ब्रह्म लोग में कौन थे? बोले ब्रह्मा और उनके पुत्र चतुसन थे। पहले ये चतुसन ब्रह्म ज्ञानी थे। ब्रह्म ज्ञानी मतलब होता है जो भगवान को निराकार मानते हैं, भगवान के आकार नहीं, उनका रूप नहीं, हाँ एकदम जैसे ध्यान करते हैं ना हर समय ध्यान में रत रहते थे। लेकिन जब भगवान के चरण की तुलसी और उनकी चंदन की खुशबू जब बैकुंठ से बहते बहते ब्रह्म लोक में आई और जब चतुसन की नासिका में प्रवेश की, इतना सुंदर खुशबू था जिसको चतुसन घराण में लेकर के बोले पिताजी इतने सुंदर सुगंधि कहाँ से आ रहा है? बोले ये ब्रह्म ये बैकुंठ से ठाकुर जी के चरण तुलसी और चंदन की खुशबू। बोले जो ठाकुर इतने सुंदर चरण और तुलसी की खुशबू, और ठाकुर जी कितने सुंदर नहीं होंगे? बोले हाँ बेटा ठाकुर जी बड़े सुंदर है। बोले पिताजी एक बार दर्शन करने के लिए जाओ। बोले क्यों नहीं, जाओ एक बार ठाकुर का दर्शन करके आओ। ब्रह्मा तो खुश हो गए। बोले क्यों? बोले ये ब्रह्मा जी सोच रहे हैं बच्चों को मैंने कहा जन्म दिया भक्ति रस आस्वादन करने के लिए, प्रभु की प्रेम रस को आस्वादन करे, लेकिन ये पता नहीं चतुर्सन जो आंख बंद कर दिन भर बैठे रहते हैं वो ब्रह्म को ध्यान करते हैं, इनका जीवन तो बेकार हो गया। लेकिन जब देखा इनके मन में इच्छा है ठाकुर का दर्शन करने के लिए, बोले जाओ एक बार ठाकुर का दर्शन करके आओ। बोले क्यों? बोले इनको पता था अगर एक बार ठाकुर को कोई दर्शन कर लेना, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बोले इन्हें बिलो कथाती आ रसी का आगे नहीं बिलो
इतने में चतुसन को क्रोध आ गया, बोले ये वैकुंठ है,
वैकुंठ मतलब क्या है? जहाँ पर कोई कुंठा धर्म नहीं, जहाँ पर डर भय है, जहाँ पर जन्म मृत्यु से हम जैसे चतुष्सनों को पूछने का कोई जरूरत नहीं है। हम अभिशाप देते हैं तुम दोनों को, तुम दोनों राक्षस जन्म में जाओगे। अभी तो रोना शुरू कर दिए, इतने में ठाकुर जी आ गए, बोले क्या बात, बोले ऐसे ऐसे, बोले देखो अगर तुम दोनों मेरे भक्त बन कर ले जाओगे ना, सात जन्मों के बाद जाओगे। एक बात मतलब सामने बैठी, इसलिए अगर मेरे भक्त बन करके जाओगे तो सात जन्मों के बाद में आओगे, अगर मेरे राक्षस बन करके जाओगे, दैत्य बन करके, फिर तो तीन जन्मों के बाद में आओगे। बताओ क्या करना चाहते? बोले ठाकुर जी हम तो चाहते जल्दी जल्दी तुम्हारे पास में आ जाए, इसलिए बोले जाओ तुम राक्षस बन करके जाओ। इसलिए पहला अवतार में उन्होंने हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बन करके आए, और दूसरे अवतार में बोलो कौन बोलेगा, दूसरा अवतार में क्या बन कर गया? आए तो सत्ययुग में आए, तृतीय युग में कैसे आए? जगाई और माधाई, जगाई और माधाई बन करके आए, और महाप्रभु ने उनको उद्धार किया। इसलिए भगवान को क्यों आना पड़ा? दस कारण हो गया कि नहीं हो गया? कल मेरे को बोल पाओगे? कौन कौन बोलेगा हाथ उठा? जो जो लिखे तो बोल दोगे, जो बिना लिखे तो आप बोल नहीं सकते। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम। कल हम लोगों ने कथा सुनी थी कृष्ण कैसे मथुरा में कंस के कारागार में ब्रह्म प्रकट हुए, आज हम सुनेंगे कृष्ण कैसे गोकुल में नंद के लाला बनकर कैसे जन्म होते हैं। ध्यान देकर सुनो, एक नई कथा है। इसलिए हमारे चैतन्य महाप्रभु का भक्तों ने ये चीज को लिखे है। बोले श्री नंद बाबा की जो पिताजी थे उनका नाम था परजन बाबा, उनके पांच बेटे थे, उपानंद सुनंद नंद अभिनंद और नंद। पहले ये नियम होता था जब 50 साल किसको हो जाता था घर में कोई नहीं रहते थे, बान प्रस्थ चले जाते थे, जैसे 25 साल के लिए सबके सब ब्रह्मचर्य पालन करने जाते थे, गुरुकुल में पढ़ाई लिखाई, उसको बाद में गुरु प्रश्न करते थे, बोले बताओ अभी क्या करोगे, पढ़ाई लिखाई हो गई। अभी जिनको ये पता चलता था ये जीवन दुर्लभ है, ये 84 लाख जन्मों के बाद में एक बार देते हैं, ये मानव शरीर बारंबार ठाकुर देते हैं, और इसी जीवन में ही हम भगवान की भक्ति करते हुए हम भगवत प्राप्त कर सकते हैं, वो फिर घर में वापस नहीं आते। बोले गुरु जी सारा जीवन तुम्हारे चरण में रह करके आपकी सेवा करते हुए प्रभु की भक्ति करते करते हम अपना जीवन को भगवत प्राप्ति में लगा देना चाहते हैं। वो नहीं वापस आते थे, लेकिन जिसको साथी के बगैर रह ही नहीं सकते हैं, गुरु जी कहते थे बेटा जाओ घर में जाओ, ऐसे ना अपना मनमर्जी शादी नहीं करना, हाँ जैसे लव मैरिज कर लेते, नहीं ऐसे नहीं, अपना धर्म कुल मर्यादा का अनुरूप शादी करो, पिता माता जैसे शादी कराते जैसे शादी करो, और दोनों पति पत्नी मिलकर के ठाकुर को सेवा करो। गृहस्थ मतलब क्या है? गृहस्थ मतलब नहीं शादी करके अपना आनंद लो, नहीं, गृहस्थ मतलब होता है स्थित राजन क्रिया कुर्बन दशदिता वासुदेव अर्पण साक्षात उपासित महाम। गृहस्थ का मतलब होता है जो अपना गृहस्थ आश्रम में रह करके धर्म की उपाय के द्वारा अर्थोपार्जन करते हुए जो कुछ करे भगवान को। इसलिए बोले तीन तरह का व्यक्ति बताए, एक गृह मेधी, एक गृह व्रत और एक गृहस्थ। बोले गृह मेधी मतलब बोले जिनके दिमाग में ना सवेरे से लेकर सोने तक घर में हल्दी है कि नहीं, नमक है कि नहीं, चावल है कि नहीं, सब्जी है कि नहीं, बाप दिमाग जिसमें 24 घंटा हल्दी नमक सब्जी में 24 घंटा, इससे जो और कुछ जानता नहीं, यही जीवन का सर्वस्व बना लिया, जिसके दिमाग में केवल यही दुनिया बेटा बेटी ना की होती है। और गृह व्रत मतलब जिसने अपना घर को ही व्रत मान लिया, यही और कुछ यही नहीं, अपना बेटा बेटी नाती पोती खाओ पियो बस, बच्चे जन्म देकर भरण पोषण करो और मर जाओ, जिसने इसको व्रत बना लिया। लेकिन गृहस्थ मतलब क्या है? गृहस्थ उसे कहते हैं
जिन्होंने भगवान को अपना सेंटर बना दिया, जो कुछ करे ठाकुर जी के लिए है, ठाकुर के लिए जो कुछ करे भगवान के लिए, पैसा कमाओ किसके लिए, बगैर पैसा से ठाकुर का सेवा कैसे होगा है, बच्चे ठाकुर जी के बच्चे हैं, उसको बड़े बनकर भगवान की भजन करेगा, पत्नी सहधर्मिणी जो दोनों मिलकर के ठाकुर की सेवा करेंगे, बढ़िया बढ़िया प्रसाद बनाओ भगवान के लिए, जो कुछ करो भगवान को सेंटर में रख करके जब कुछ करते ना, वो गृहस्थ है बोलते तो देखो घर में वापस जाओ, अपना गृहस्थ धर्म को सही सही जांचना करो, लेकिन कब तक, बोले 50 साल, उसको बाद में नहीं, इसलिए 50 के बाद में देखो जो अंक आता है ना, एका बन क्या आता है, बन घर में नहीं वृंदावन जाओ, बाप बन घर में नहीं वृंदावन, शव बन बन वृंदावन, अभी घर में मत रहा करो, नहीं तो घर में बहू आएगी ना, फिर चाबी का लेकर लड़ाई करोगे उसके साथ में, दिन भर झगड़ा में, इसलिए झगड़ा होने से पहले अपना वृंदावन में जाओ, करते हुए भगवान की भक्ति करो, इसलिए उसको बाद में आता है 68, 68 मतलब 60, 61, 62, अगर भक्ति करने नहीं जाओगे ना फिर सठिया बन जाओगे, तब तुमसे कुछ नहीं होगा, बांस जो कच्चा हो ना, बांस को टेढ़ा कर सकते हो, बांस जब पक जाए वो टूटेगा लेकिन वो टेढ़ा नहीं होगा, इसलिए कोरे कागज में सब लिख सकते हो लेकिन कागज वो बड़े का लिख जाए, इसलिए प्रहलाद ने बताए कौमार आचरित प्राज्ञम, जो बुद्धिमान है उनको 5 साल उम्र से ही भक्ति कर देनी शुरू कर देनी चाहिए, 5 साल उम्र में ही उसको भक्ति शुरू कर देनी चाहिए है। इसलिए देखो एक लाला बाबा था वृंदावन में, बहुत बड़े संत है, इनकी कथा सुन लो, ये लाला बाबू पहले देखना हर व्यक्ति गीता रामायण भागवत तो पढ़ते थे, इसलिए सब लोग को पता चलता था ये जीवन दुर्लभ है और दुर्लभ जीवन पाकर के प्रभु की भक्ति करनी चाहिए है, इसलिए आए थे हरि भजन को कोटन में लगे कपास, इसलिए भजन करने आए थे, इसलिए आए थे भजन के लिए, लेकिन यहाँ आकर को उल्टा काम में लग पड़े हो। एक दिन ये लाला बाबू बहुत बड़ा जमींदार थे, छत को पर खड़े हुए थे, एक फेरी वाला जैसे फेरी का काम करता है ना, कुछ सामान लाला बाबू को दिया था है, लाला बाबू को दिया था, इतने में उस समय वापस जाते समय पैसा लेकर चला जाऊंगा, छत के ऊपर लाला बाबू खड़े, सूर्य अस्त होते जा रहा था, इतने में वो फेरी वाला ने लाला बाबू बोले, बोले लाला बाबू पहला गेलो मतलब समय चला गया, अभी मेरे को बहुत दूर जाना, जल्दी जल्दी पैसा दो। देखो उन्होंने एक भाव से बोले बड़े दूर जाना है पैसा दो, और सूर्य डूबते हुए जा रहा है, देखो उन्होंने किस रूप में ग्रहण किया, बोले भैया ये तो सही बता रहे, मैं तो विषय भोग करते करते उम्र हो गया, विषय भोग करते करते समय मेरा बर्बाद हो गया, अब जब मैं बूढ़े होते आ गया और जाना हमें बड़े दूर, कहां तक जाना जीवन में, इसी जीवन में ठाकुर तक पहुंचनी चाहिए, भगवान को प्राप्त करनी चाहिए, दूर जाना, समय कम, समय बूढ़ा हो गया हैं, विषय भोग करते करते और जीवन का जो सूरज का सूरज अभी सचमुच से अस्त होते जा रहा है, पर इसने सही बात बताई, और हमें इसी संसार में नहीं रहनी चाहिए, ये संसार छोड़ करके हमें वृंदावन जाए और भगवान की भक्ति करे। इतने को उसने छत से उतर कर कहा और घर में नहीं, क्योंकि विषय संसार कभी खत्म नहीं होता है, बड़े जमींदार थे, अभी मेन रोड में खड़े हुए सोच रहे हैं अभी क्या करनी चाहिए, अभी भी थोड़ा बहुत काम बाकी है, क्या ये काम को मैं पूरी करके जाए ना, अभी मैं चला जाऊं, एक तो मेन रोड में खड़े हुए, एक जमादारिणी रोड में झाड़ू लगा रहा था, झाड़ू लगाते लगाते बोले, बोले लाला बाबू एक तरफ हो जाओ, क्या हो जाओ एक तरफ हो जाओ, बोलो भैया एक तो सही बता रहा है, मैं तो अभी दो तरफ में खड़ा हूँ, सोच रहा हूँ घर का भी थोड़ी बहुत काम है, इसको खत्म करके जाओ ना, अभी अभी चले जाओ, बोले ये तो सही बता रहे, एक तरफ हो जाओ, बोले सही बताया, उन्होंने तो वहीं से उन्होंने सीधा प्रभु की भजन करने के लिए इन्होंने श्री वृंदावन धाम आए, और इन्होंने इतने भक्ति की ना, ठाकुर जी को दर्शन दिया, ठाकुर जी को दर्शन दिया है,
बलसी वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राम। हाँ एक बार हाथ उठा कर बोलो बोले हरे कृष्णा हम लोग कोई बोल के कृष्णा जोर से हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार जोर कर बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। अभी तो जगाया फिर सो गया माला साथ में लेना कभी मत भूला गुरुदेव कहते थे। क्यों? जब हमारी एक श्वास चला गया ये एक श्वास नहीं ये एक कोहिनूर हीरे है। जैसे मानो अंबानी नाम सुने हो ना, अगर डॉक्टर ने बोल दिया कि इसका अंतिम श्वास है, अगर उनकी परिवार बोले तेरे को हम चार कोहिनूर हीरे देते हैं इसके चार श्वास को वापस ले आओ, ला सकते हैं? नहीं ला सकते। यदि मानव शरीर का एक श्वास नहीं एक कोई हीरे है गुरुदेव कहते थे। ये एक श्वास की सार्थकता कब है? जब हम कोई भी भगवान के नाम ले नहीं सकते, हर मुक्ति का दरवाजा हमी का बंद है सबकी, लेकिन ये मानव शरीर में ही एक मुक्ति की दरवाजा खुला हुआ है। इसलिए कभी समय नष्ट नहीं करके हर समय क्या पास में रखो, बोलो क्या रखोगे?
माला रखना, माला तो जैसे गाड़ी में जा रहे हो और प्रभु का नाम जप करते करते जाओ ना, चलते चलते जा रहे हो प्रभु का नाम जप करते करते जाओ ना, समय को क्यों बेकार नष्ट क्यों करोगे? इसलिए नष्ट नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। हर समय अपना पास में ये माला को हर समय रखा करो, हर समय भगवान की माला को जप करा करो, ठीक। महाप्रभु यही कहते थे कि सहने की भोजने की बा जागरने, सोते उठते बैठते हर समय अहर्निश सचिंत कृष्ण बोलो भक्त। महापुरुष स्वयं कहते थे भगवान हर समय अहर्निश सचिंत कृष्ण बोलो भक्त, हर समय ठाकुर को चिंता करो और ठाकुर जी की नाम को लो, क्योंकि कलियुग में भगवान ये नाम रूप में ठाकुर जी आए हैं। कलियुगे नाम कृष्ण रूपे नाम अवतार, नाम रूप में ठाकुर जी कलियुग में आए, ठीक है ना। इसलिए श्री नंद बाबा ने परिजन बाबा अपना पांच बेटों को बुलाए, बोले देखो बच्चों बड़े हो गए हो, अभी हमारी उम्र हो गई, हम संसार में और ज्यादा रहना नहीं चाहते हैं, तुम लोगों को शादी शुदा हो गया है, मैं सबसे बड़े बेटे को राज सिंहासन में बैठा करके मैं भजन करने जाना चाहता हूँ। बड़ा बेटा ने कहा देखो पिताजी राजा बनने का गुण मेरे में नहीं, ये मझला बेटा नंदम है, अब इनको ही राज सिंहासन में बैठा दो। उनको बैठा करके उन्होंने चले गए, चार बच्चों का संतान है, केवल सिर्फ नंद बाबा का घर पे कोई औलाद नहीं। इसलिए एक समय से परिजन बाबा आप लोग वही नंदगांव गए हो, कौन कौन नंदगांव गए, वहां पर एक आशीश्वर महादेव देखोगे होटेल कदमों के पास में, उन्होंने श्री आशीश्वर महादेव की पूजा की, बोले हे भोले बाबा मेरे चार बच्चों का तो संतान है लेकिन मझिला नंद का कोई संतान नहीं, तुम आशीर्वाद करो मेरे मझिला बेटा को एक लाला हो। आकाशवाणी हुई, बोले चिंता मत करो तुम्हारी ऐसे है नाती होगा ना जिसका जस विश्व ब्रह्मांड में जाएगी और उनकी वजह से तुम्हारी पूरा खानदान उजला उजला होता रहेगा, चिंता मत करो। आकाशवाणी हुई, इसलिए उन्होंने सारे व्रत को रखे थे। जब श्री पुत्र एकादशी आई, एक दिन नंद जसोदा आपस में चर्चा कर रहे थे, हमने जीवन में सारे व्रत को रखा है लेकिन अभी तक हमने ये पुत्र एकादशी हमने नहीं रखी, क्योंकि उसका नाम ही पुत्र था, जो पुत्र को दान करते हैं, चलो हम ये पुत्र एकादशी को रखे। जब एकादशी को रखे उसी रात को ब्रह्म मुहूर्त में, अगर ब्रह्म मुहूर्त में कोई स्वप्न हो ना सही होता है, उनने ब्रह्म मुहूर्त में स्वप्न देखा, क्या स्वप्न देखा, बोले श्याम चंचल चारुदीर्घ नयन बालस्तवांकस्थले पयोधार स्फुटमसौ क्रीडांगमय अवलोक्यते। ब्रह्म मुहूर्त में दोनों एक स्वप्न देखे, दोनों की नींद खुल गई, खुलते ही नंद बाबा बोले जसोदे जसोदे मैंने एक सुंदर स्वप्न देखा है। ससुदा बोले मैंने भी एक स्वप्न देखा है, पहले आप बताओ फिर मैं बताऊंगा। बोले मैंने देखा आकाश में दो बालक, एक तो श्याम रंग का बालक और उसको पीछे बिजली चमकती हुई एक सुंदरी बालिका, दोनों मेरे हृदय में प्रवेश किए और मेरे हृदय से प्रवेश करते हुए और ये तेरे हृदय में प्रवेश किए हैं, और मैंने देखा तेरे गोद में एक सुंदर श्याम स्वर्ण सा बालक फूट रहा है और तुम्हारी स्तन पान करते समय दोनों धारों से दूध बहते हुए उसका कुर्ता दिख रहा था, मेरे को स्वप्न नहीं लगा सचमुच से तेरे गोद में एक बालक है। जसोदा बोले मैं सुना, बोले मैं भी यही देखा आपके हृदय से मेरे हृदय में दो बालक आए हैं और एक छोटा बालक श्याम रंग का पीछे पीछे, बोले माँ मैया मैया मेरे को गोद में उठा ले, मेरे को दूध पिला ले, वो मचल रहा था, मेरे को स्वप्न नहीं लगा सचमुच से कोई एक बालक है। और उसी रात को ही मैया जसोदा गर्भधारी हैं और ब्रज में हला हो गया, भैया नंद के लाला होने वाले हैं। अभी एक होता है गर्भ संस्कार, गर्भ संस्कार मतलब होता है जब गर्भ में बच्चे रहते ना उनको सुंदर सुंदर भगवान की तस्वीर दिखाई जाए, ठाकुर की बड़ी प्यारी प्यारी उनको कथा सुनाओ, ये बच्चे के ऊपर अच्छे संस्कार पड़ते हैं। अगर बच्चे गर्भ में रहते हुए डिस्को ध्यान उल्टा पुल्टा मूवी देखोगे ना फिर वो बच्चा गर्भ से टाकू बन के जाएगा। इसलिए देखना अभी दुनिया सारे हम जो लोग जहां जाते हैं ना
सारा दुनिया एक ही बात कहते हैं, बोले बच्चे बात नहीं सुनते, बच्चे बात नहीं सुनते। लेकिन पहले आप लोग रामायण देखे होंगे, जब माता सीता गर्भवती थी, भगवान राम दरबार में साधु लोग संत लोग आए, वहां पर सत्संग माता पार्वती का सत्संग उन्होंने सुना है, तभी तो लव कुश जैसे बच्चे जन्म हुए। प्रहलाद कैसे हुए, गर्भ में रहते समय उन्होंने कथा सुने नारद से, तभी उन्होंने बचपन में इतने ज्ञानी हैं कि अभिमन्यु चक्र को सिखा कैसे। कहते माँ को पास में जब अर्जुन सुभद्रा सो रही थी, इतने में सुभद्रा अर्जुन से बोले, ये चक्र व्यूह क्या, मेरे को थोड़ा बताओगे। तब उन्होंने बताए कैसे प्रवेश करोगे, लौटने का था। इतने में सुभद्रा सो गई, अर्जुन सुनाई नहीं, सो गई थी और सीख नहीं पाई। देखो गर्भ में बच्चे रहते हो, ये माताएं जो करेगा ना, और देखो जो माताएं भक्ति करती हैं, भजन करती हैं, उसकी गर्भ में साधारण बच्चा जन्म नहीं लेता है, बड़े पुण्यात्मा बच्चा जन्म लेता है। देखो जैसे माँ भक्ति करके तिलक लगाती है, हरि नाम करती है, तुलसी परिक्रमा करती है, ठाकुर का नाम जप करती, कथा सुनती है। अगर माँ के पेट में बच्चा हो, माँ जब बैठ कर कथा सुनती है, बच्चा कथा सुन रहा है कि नहीं, पेट में बैठे बैठे बच्चा कथा सुन रहा है। जैसे मैया तुलसी परिक्रमा करती है, माँ परिक्रमा कर रही है कि नहीं, बच्चा परिक्रमा हो रही है कि नहीं। जैसे माँ प्रसाद पाती है, हैं, इसलिए बच्चा वही तो प्रसाद पाती है ना। जैसे माता जी आरती दर्शन कर रहे हैं, पेट में बच्चा वो क्या कर रहा है, वो भी ठाकुर जी की आरती दर्शन करता है। इसलिए भक्त घर में जन्म लेना बड़ी सौभाग्य की बात है, जो भक्त घर में बच्चा जन्म ले। अभी एक बड़ी बड़ी गोपी बोली, बोले भैया जसोदे तुमने कुमारी पर में जुड़मा के लिए नहीं खा ली, बोले क्यों, बोले लगता है तेरे पेट में दो बालक है। सचमुच से कृष्ण और जोगमाया थे, दो बालक थे। किसने कहा भैया लगता है तेरे गर्भ से बेटा जन्म होने वाले, बोले पता कैसे चला, बोले तेरे जो होठ है ना वो पीला पीला दिख रहा है, इसका मतलब है तुम्हारे गर्भ में बेटा होने वाले। मैया बोले मेरे तो खीर खाने की इच्छा कर रही है, बड़े सुंदर खीर बनवाए, भगवान सालग्राम को तुलसी पत्ता से भोग लगाए और उनको खीर खिलवाए। ऐसे लग रहा था मानो आज ही बालक की जन्म हो जाएगी। और इसलिए नंद बाबा की एक बहन थी जिनका नाम थे सुनंदा, वो तो 6 महीना पहले आकर घर में बैठी गई। बोले क्यों, बोले भाभी गर्भवती ना, अगर भाभी का बच्चा होगा तो मेरे नवला घाट मिलेगी, इसलिए 6 महीना पहले से घर में आकर के बैठी गई और घर का सारे कामकाज को ही कर रही थी। हैं, अभी रात को सबके सब काम में 8 बज के बाद में घाट पर सो जाते हैं। बोले एक काम करो, लगता है आज रात को बालक का जन्म होने वाले, 2x2x ड्यूटी लगवा दो, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 2। अभी 8 से 10 तक जिनको ड्यूटी लगाए, ढोलकी दे दिया, सबको मजीरा दे दिया, अपने कीर्तन करते रहो। बोले गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय राधा जिनको 2 बजे 12 बजे तक ड्यूट लगवाया, जोग माया आकर के सबको निद्रा में सुला दिया, मोह निद्रा में। पता नहीं कब श्री वसुदेव महाराज मथुरा से, देखो एक चीज को अच्छे तरह समझो, मथुरा में अभी गोकुल में 2 बच्चा जन्म हुए, कौन कौन हुए, एक तो कृष्ण और एक जोग माया, 2 बालक जन्म हुए। मथुरा से वसुदेव महाराज कृष्ण को लाए, वहां भी एक कृष्ण, यहाँ भी एक कृष्ण, अब बताओ कृष्ण कितने हो गए, बोलो कृष्ण कितने हो गए, 2 हो गए ना, पर एक कृष्ण गए कहाँ। हाँ देखो इस चीज को समझो, पहले गोकुल में जो कृष्ण हुए वो पूर्ण ब्रह्म है, लेकिन मथुरा में जो कृष्ण हुए अंश कृष्ण हुए, मथुरा में कृष्ण जन्म नहीं हुए, कृष्ण मथुरा से प्रकट हुए। प्रकट जन्म में फर्क ये है
आप लोग सुने होंगे पहले प्रभु चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया, बालक कहीं चतुर्भुज रूप में प्रकट होता है, घुंघराली के ऐसे चमकीले वस्त्र मुकुट पहन कर थोड़ी आते हैं। उन्होंने बोले माँ अभी मैं बालक बन जाऊंगा और मेरे को गोकुल में रख के आ जाना। वो बड़े रूप में प्रकट हुए और छठ छोटे बच्चे हुए, इसलिए यहाँ प्रकट हुए, जन्म नहीं हुए। लेकिन जन्म कहाँ हुए? गोकुल में, कृष्ण गोकुल में जन्म हुए हैं। आप लोगों ने बच्चों को जन्म दिए हो? कौन कौन बच्चे जन्म दिए हो? हाथ उठा जोर से, हाथ सर्व ले रहा है। एक चीज समझाना चाह रहा हूँ, देखना जब बच्चा जन्म लेता है ये माँ की पेट से बच्चा का नाड़ होता है, नाड़ होता कि नहीं? वो नाड़ काटी जाती है, काटी जाती कि नहीं? बच्चे जन्म लेकर लेगा। इसलिए कृष्ण जब गोकुल में जन्म हुए सब ब्रजवासियों ने देखा उनके नार को काटी, जो वृद्धा गोपियां होती हैं वो नार काटती हैं, और नार काटने से पहले जो दान होती है ना वो सर्वश्रेष्ठ दान मानी जाती है। नंद बाबा नार काटने से पहले उन्हें संकल्प लिए मैं 20 लाख गया दान दूंगा ब्राह्मण को, 7 तीन का पर्वत में दान दूंगा, उन्होंने संकल्प किए, उसको बाद में फिर नार काटी गई। इसलिए कहते ना नंद के आनंद भयो, कोई नहीं कहते वसुदेव का आनंद भयो, किसका आनंद भयो? नंद के आनंद भयो। इसलिए कृष्ण मथुरा में प्रकट हुए लेकिन गोकुल में कृष्ण जन्म हुए, और जो गोकुल का कृष्ण के पूर्ण ब्रह्म कृष्ण है, और ये कृष्ण अंश कृष्ण को मिला दिया, दोनों एक हो गए। लेकिन ये रहस्य किसको पता नहीं चला, लेकिन दोनों का ही बच्चा है, नंद का भी बेटा और श्री वसुदेव महाराज का ही बेटा, ये दोनों का बेटा। क्योंकि पहले कथा मैंने सुनाई ना, वृष्णि और सुतमा कठोर तपस्या की भगवान नारायण की, बोले क्या चाहते हो? बोले आपका जैसे बेटा चाहिए, इसलिए भगवान उसको चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए। मैं स्वयं नारायण आ रहा हूँ, क्यों? पहले जन्म में तुमने मेरे को वर मांगा था, आप जैसे के बेटा हमें चाहिए, इसलिए उन्होंने। और ब्रह्मा जी ने क्या, ब्रह्मा जी को द्रोण धरा तपस्या की, क्या मांगे? जैसे स्वाभाविक रूप में बच्चा माँ के पेट से जन्म होता है, मैया पलना में झुलाती हैं, गोद में खिलाती हैं, अंगुल पकड़ करके चलाना सिखाती हैं, आ मेरे स्वाभाविक रूप में बालक बनकर आओ। इसलिए कृष्ण मथुरा में तो प्रकट हुए लेकिन उनका लाड किसने लड़ाई, पल्ले में झुलाए किसने, ठुमक ठुमक करके चलाना किसने सिखाई? बताओ किसने सिखाई? इसलिए नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। इसलिए अभी सबके सब सोए पड़े हुए थे, एकदम सवेरे सवेरे सुनंदा की आंख खुली, बोले भैया भाभी का क्या हालत है? हाँ, सबके सब सोए पड़े हुए, दरवाजा खोल करके देखती है ना, मैया जसोदा की गोद में बड़ा सुंदर श्याम सलोना सा बालक खिलकारी मारते हुए खेल रहा है। बोले भैया किसको पता है, निचला बालक का जन्म कब हो गया, पहले श्री नंद बाबा को खबर दो, फिर मेरे को नवला की हार मिलेगी। लेकिन नंद बाबा है कहाँ, ढूंढते ढूंढते देखा ब्रह्मांड घाट में बड़े बड़ों को बीच में बैठकर माला जप कर रहे थे, वो माला जप नहीं हो पा रहा था, सोच रहे थे घर में छोरा कब होएगा, लाला कब होएगा, छोरा कब होएगा, यही सोच रहे थे। इतने में मैया श्री सुनंदा जाकर के बोली, बोले नंद बाबा कमाल है, गये हुए इतना बोलते तो नंद बाबा छलांग लगा दिया। बोले बहन ने कहा भैया, बोले ये बताओ मेरे को पहले मिलेगा कि, बोलो क्या मिलेगा? बोले ले ये नवला की हार तू ले ले, तू 6 महीना से पहले यहाँ बैठी हो, नवला की हार में बैठी हो, लो ये नवला की तू हार ले ले। बोले भैया बात इतने बड़ी, जिसको सामने ये नवला का हार भी कुछ नहीं। बोले क्या बोल रहे हो, नवला की हार है? बोले भैया बात भी तो बहुत बड़ी बात है, बताओ और क्या दोगे? बोले जा कि यमुना किनारा में जितने जमीनी जगह थे ना तेरे नाम पर लिखा थे सब, मालिक आने तुरंत जा। बोले और क्या दोगे? बोले क्या इतना दे दिया फिर पेट नहीं भरा? बोले भैया बात भी तो बहुत बड़ी बात है, बता और क्या दोगे? बोले ले ट्रेजरी का चाबी काट, तू सारे ले ले, जो कुछ ले लेना, लेकिन बता तो उसे घर में कहा भयो है? बोले भैया तेरे घर में लाला भयो है। बोले श्री नंद के लाला की, बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की, हिताई गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल। जब उन्होंने सुना उनके नाम लाला भयो, नंद बाबा तो वहीं से दौड़ लगाए,
और आकर के उन्होंने जब पहला बार बेटा का मुख दर्शन किया, इतने प्रसन्न हुए, क्योंकि कितने तपस्या, कितना दान, कितने यज्ञ इन्होंने कितना कुछ किया है, लेकिन देख करके बड़े प्रसन्न हो गए। पहले संत ब्राह्मण की कृपा से आज घर में लाला भयो है, पहले उन्हें बुला, उनसे स्वस्ति वाचन पढ़ा करके आशीर्वाद दिला। ब्राह्मण संत आकर के बड़े सुंदर आशीर्वाद दिए, नाई को भेज दिए, बोले जाओ ब्रज मंडल में ढिंडरा पिटवाओ, नंद के लाला भयो है, सबके सब बधाई देने के लिए आए। और जितने सारे ब्रजवासी, जितने गोपियां, तो 84 गज के लहंगा चुंदरी पहन करके दूध दही मक्खन लेकर के आ रही थी, और कान में कुंडल पहनी रखी थी। ये कुंडल जोर जोर से हिल रहा था। बोले क्यों? कुंडल ये बता रहा था, तुम लोग को पहुंचने से पहले हमें छोड़ दो, हम नंद लाला को बधाई दे। चोटी में बड़े सुंदर सुंदर फूलों की माला से श्रृंगार कर रखी थी, एक एक फूल इनके चरणों के ऊपर गिर रहा था। बोले क्यों? बोले जो कृष्ण को दर्शन बधाई देने जा रही है, उनके चरण की पूजा करनी चाहिए। अगर हम चोटी में रहेंगे ना, करीब यमुना में बहा देंगे, अगर ब्रज रज में मिलेंगे, जब ये बड़ी होकर कृष्ण बड़े होकर के ठुमुक ठुमुक करके गली गलियों में चलेगा, उनकी चरण स्पर्श हमें मिलेगा हैं। और जितना गोपियां थी ना, सबके सब मैया जसका को बधाई दे रहे। देखो मैं बोलूंगा मैया जसका बधाई हो, अब सबके सब जोर से बोलना बधाई हो, बधाई हो, ठीक है? बोले मैया जसोदा बधाई हो, बधाई हो। एकादश तक कल ही चला गया, किसको मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही। अच्छा जोर से बोलो भगवान जन्म हो गया, तुम खुश नहीं हो रहा है, खुश किसको खुश हो रहा है? हाँ जोर से बोलो, बोले मैया जसोदा बधाई हो, मैया बोली बधाई हो, बधाई हो ब्रज की गोपियों, ये बुढ़ी उम्र भी तुम लोगों को आशीर्वाद से लाला का मुख दर्शन करने को मिलो। ये लाला मेरो नहीं, ये लाला सब तुम लोगों को लाला है। और जितने गोपियां थी ना, हृदय से कृष्ण को आशीर्वाद दे रही थी। बोले जुग जुग जी ओरी जसोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जी ओरी जसोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जी ओरी जसोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जी ओरी जसोदा मैया तेरो भाग्य में कोई उल्टा पुल्टा चीज हो, अगर सचमुच से पिता माता किसको हृदय से आशीर्वाद दे, यदि ये ललाट में जो उल्टा पुल्टा चीज खत्म हो जाती है। इसलिए नियम है बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लेनी चाहिए, हृदय से जब आशीर्वाद दे। इसलिए भगवान राम क्या करते थे, प्रात उठई रघुनाथा और मात पीत गुरु नमई माता। इसलिए ठाकुर जी भी सवेरे उठकर क्या करते थे, पहले अपना पिता माता की चरण छूते थे। रामायण देखे हो, देखना जब दशरथ महाराज शयन करते हैं, भगवान राम पिताजी की चरण की सेवा करते हैं। कौन कौन सेवा करते हो पिता माता की, कौन कौन किया हो? अपना सास ससुर पिता माता की, अच्छी बात है। इसलिए उनके आशीर्वाद से हाँ भगवान की भक्ति भी मिलती है उनके आशीर्वाद से। इसलिए जब हृदय से कोई आशीर्वाद दे ना, देखो अपना सास ससुर को भी सेवा करनी चाहिए। किसकी सेवा करनी चाहिए? सास ससुर को भी, क्यों इनकी भी आशीर्वाद से भी है। देखो एक संत कह रहे थे, जैसे एक ए, ए, एक व्यक्ति का मतलब दो दो बेटे दो बहू है, अगर जो बहू सास की बड़ी सेवा करती है,
सास से सेवा करती हैं, भैया से सेवा करती हैं, फिर जब बंटवारा होता है ना सारे सामान, सारे घर के सोना चांदी किसको पास है? किसको पास है? सास की पास में रहती है। और जो बहुत ज्यादा सेवा करेगी वो सास क्या करेगी? बंटवारा होने से पहले कुछ निकाल कर दे देगी, तू इसको रख ले, अभी बंटवारा हुई। इसका मतलब है सेवा करोगे तो विवाह मिलेगा ही, इसलिए सेवा करनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर सबके सब हृदय से आशीर्वाद दे रहे थे कृष्ण को। जब आशीर्वाद दे रहे थे इतने में सबके सब आ गए। अभी दो व्यक्ति अभी बाकी है, कौन कौन? एक बृषभ महाराज और कृतिका मैया। यदि इनमें दो लोग मित्रता, नंद और जसो, कृतिका नंद और बृषभ महाराज दोनों में बड़ी मित्रता है। अभी ये आ जाए उत्सव प्रारंभ होगी, इतने में देखते देखते बृषभ महाराज अपना पत्नी कृतिका को सामने प्रवेश किया और राधा रानी की माँ है ना, बड़ी सुंदर श्रृंगार करते हुए दूध दही मिश्री और मक्खन सब लेकर के मटकी में आई। जब आई अभी नंद महोत्सव प्रारंभ होगा, एक गोप ने किया कि डंडा लाए, वो जो मटकी था ना उसको मारे, मारते ही मटकी तो फूट गई और दूध दही से कृतिका मैया स्नान कर ली। एक दधिका थी, दधिका थी मतलब दही में हल्दी और घी मिला करके एक दूसरे को ऊपर लगा दे, ये मंगलवाची है, हैं? इतने वहां पर दही दही लाए थे, कीच कीच हो गई और फिसल फिसल करके ना एक दूसरे को ऊपर गिर रहे थे और कह रहे थे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, जय कन्हैया लाल की। और बड़े बड़े मखने के टेले के डोले एक एक दूसरे को ऊपर फेंक कर मार रहे थे। एक बड़ी बड़ी गोपी थी जो 100 साल की, एक दांत थी नहीं, वो तो ऐसे देख रही थी, बोले भैया बड़े जोर के नंद महोत्सव है रहे। एक गोप ने उठाया मक्खन का टेला और उसकी मुंह को लक्ष्य करके मारे, मारते ही उसका तो एक दांत थी नहीं, मुंह में लगा ना सीधा अंदर में सटक गया। बोले भैया नंद महोत्सव में कोई भूखे नहीं रहते हैं, कोई भूखे नहीं रहते, इसलिए सब के सब नाच रहे थे गा रहे थे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, सब के सब नाच रहे थे। वहां पर नंद बाबा मटक मटक कर देख रहे थे हैं, और नंद बाबा का जो आंगन है बहुत बड़ी आंगन है, राजा है ना, इतने दूध दही लाए थे, सब के सब दूध दही से भर गया था, ऐसे लग रहा था मानो कोई एक क्षीर समुद्र प्रकट हो गया है। नंद बाबा देखने में लंबे चौड़े गौरव वर्ण थे, कमर में एक फेटा बांध कर रखे थे और उनको नंदगांव बरसाना का गोप पकड़ करके उनको खींच करके ले आए एकदम बीच में। बोले नंद बाबा आज तेरे घर में लाला भयो है, देख सारे ब्रजवासी नाच रहे हैं, आज कम से कम आज तो दिन नाच ले हैं, नाच ले। अभी कमर के एक तरफ में नंदगांव के गोप, दूसरे तरफ में बरसाना का गोप, दोनों तरफ में पकड़े हुए, ऐसे लग रहा मानो ये खीर समुद्र मंथन होने जा रहे हैं। कल हम लोग ने श्रवण कर रहे थे ये लवण समुद्र मंथन सबसे पहले बीच निकला जिसको भोले बाबा पान की, इसलिए शंकर जी का एक नाम क्या पड़ गया, क्या नाम पड़ गया, नीलकंठ महादेव की। लेकिन आज यहाँ पर सबसे पहले क्या निकला, बोले नंदस्तु आत्मदजा का लाद मामना। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं यहाँ पर आनंद कंद भगवान कृष्ण सबसे पहले, भगवान कृष्ण यहाँ पर निकले हैं। कल जो समुद्र मंथन से 14 रत्न निकला, लेकिन सुखदेव गोस्वामी यहाँ वर्णना करते हैं आज नंद बाबा इतने प्रसन्न हुए, इतने सोना चांदी हीरे जवाहरात को लुटा रहे थे, ब्राह्मण लोग तो गठली बांध कर ले नहीं पा रहे थे, गठली की कोने से गिरते 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 जा रहा था, अली गलियों में हीरे जवाहरात बिखरा हुआ। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित रमा किरण अभूत नृप, मानो ये वृंदावन माँ लक्ष्मी, मूल लक्ष्मी को श्री राधा रानी की मानो ये क्रीड़ा भूमि बन गई श्री वृंदावन धाम। वहां पर 33 करोड़ देवता आए थे, भोले बाबा भी आए, भोले बाबा भी आए थे, और नंद बाबा ने 20 लाख गैया दान की, शंकर भी आए थे। आप बताओ शंकर जी का वाहन कौन है? अब बोलो शंकर जी का वाहन कौन है? नंदी। ये भी बैल है, रूप है, शंकर तो चक्कर में पड़ेगा,
बोले भैया 20 लाख गैया दाटते रहे, ऐसे नहीं गैया दाटते देते देते भूल से मेरे नंदी को तो दान में नहीं दे देंगे, फिर मैं चढ़कर किस में जाऊंगा, इसलिए उनका पूछ को पकड़ कर खड़े हो गए शंकर जी। वहां पर माता पार्वती भी आई थी, उनके भी दो बेटे हैं, कौन कौन है, गणेश और कार्तिक, इसलिए गणेश गजाना नहीं है, इसलिए कहते हैं हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। उन्होंने इतने हाथी घोड़े दिए, मैया पार्वती डर गई, बोले इतने हाथियों को देते देते भूल से अगर मेरे बेटे को हाथी मांग कर दान में दे दे तो फिर तो मेरा बेटा ही चला जाएगा। उन्होंने तो बेटे को गोद में ले लिया और बड़े जोर से चुपका करके खड़े हुए थे वहां पर। वहां पर धन कुबेर भी आया था, वो भी नंद बाबा की दान को देख करके वो भी लज्जित हो गए हैं, बोले भगवान मेरे को छूट मूट का क्यों बना दिया, स्वर्ग की कुबेर क्यों बना दिया, सारे रुपया पैसा की खाजना है मेरे को क्यों बनाए, आज नंद बाबा इतने दान दे रहे हैं मेरे पास में भी इतने नहीं, वो भी लज्जित हो गए हैं। सबके सब नाच रहे थे लेकिन एक व्यक्ति नहीं नाच रहे थे, बोले वो कौन है, बोले श्री रोहिणी, बोले रोहिणी कौन है, बलदेव प्रभु का माँ, बोले वो क्यों नहीं नाच रहे थे, बोले कारण है वो थी प्रोसित भद्रिका, कौन थी, क्या थी, मतलब क्या है बोला, इसलिए वो थी प्रसिद्ध भत्रिका, प्रसिद्ध भत्रिका मतलब होता है जिसका पति विदेश में हो और विपत में पड़ा हुआ, अगर पति विदेश में विपत में पड़ा हुआ हो उसकी पत्नी कभी भी सभी को सामने नाच नहीं सकती। पति कौन, वसुदेव, कहां पर, मथुरा में, किस रूप में, कल सभी जेल में बैठे, अगर पति जेल में बैठेगा पत्नी कभी सबके सामने नाचेगी, इसलिए सबके सब तो नाच रहे थे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। लेकिन जो रोहिणी बड़ी दुखी होकर कुसुम मार कर बैठी थी, नंद बाबा ने देखा भैया सबके सब तो नाच रहे हैं लेकिन घर की सदस्य ही नहीं, ये रोहिणी कहां पर, देखा रोहिणी बड़ी दुखी होकर के बैठी हुई है। नंद बाबा बोले रोहिणी मेरे को पता है तू तो प्रसिद्ध भत्रिका हो लेकिन कम से कम मेरे लाला को आशीर्वाद तो दे। उन्होंने उसको पकड़ करके लाए, अब बलदेव प्रभु 15 दिन पहले जन्म हुए, वो भी जन्म से आंख बंद करके रखे, बोले क्यों, बोले जब मैं आंख खोलूंगा सबसे पहले मेरे प्रभु कृष्ण को देख करके फिर मैं दुनिया को देखूंगा। इतने में मैया रोहिणी श्री बलदेव प्रभु को लेकर के आए, कृष्ण को पास में जो सुला दिए ना, बलदेव प्रभु को पता चला अभी कृष्ण को सामने आ गया, इतने में बलदेव प्रभु आंख खोलते, जब आंख खोले सबसे पहले उन्होंने कृष्ण को देखा, जब कृष्ण को देखा रोहिणी तो दुखी थी कि बेटा तो हुआ है लेकिन बेटा जन्म से आग बंद करके रखा, लेकिन जब देखा बलदेव प्रभु आग खोल दिया ना, माता रोहिणी को भी आनंद की सीमा नहीं रही, वो भी ठुमक लगा करके वो भी नाचना शुरू कर दी। इसलिए सारे ब्रजवासी हैं सब के सब नाच रहे थे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। आप लोग भी खड़े खड़े हो जाओ, बड़े समय से बैठे हो, पैर आपका दर्द हो रहा है, टांग सीधा कर दो, सबसे पहले खड़े हो जाओ, प्रभु जी का भजन गाएंगे, बधाई का भजन गाएंगे, सबके सब इधर नाच लो, ठीक है, सब खड़े हो जाओ। बस नंद के लाला की जय। अरे कल जो को चॉकलेट था कहाँ गया, सखी चलो नंद के द्वार आवार लाला के दर्शन कर आवे, सखी चलो नंद के I'm not afraid of the dark.
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama.